बस उस शिकारी के चक्कर में भाई ये वही लगता है। हे गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम चुदो। मैं हूँ मार्टिन, एक मछुआरा और एडवेंचरर। मैं अभी चिकामोगा लेक की तरफ आया हूँ जो कि यूएस में सिचुएटेड है। डूड, इस लैंड को कहा जाता है द जायंट बैस लैंड, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं जो एक दूसरे को नोच खाती हैं, जिसे भी दबोच ले, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मछली। मैं उनमें से सबसे बड़ी मछली को पकड़ने आया हूँ, ये मेरा चैलेंज है। उसमें से भी एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे 15 तरह की स्पीसीज अवेलेबल है इस पूरे लैंड पे, ये देखो। और यहाँ पे लेजेंडरी 10 यहाँ पे मछलियां तुम्हें देखने को मिलेंगी। उनमें से मुझे सबसे बड़े जायंट मछलियों पकड़ना है जो सारे मछलियों को खा जाती हैं। गाइस, जिसे भी पकड़ते हैं वो दबोचते हैं, वो चीड़ फाड़ के खा जाते हैं उसके दांत। उसे मुझे पकड़ के बस फील करना है, उसे डिस्कवर करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पहला चारा जो फेंक दिया, मैं यूज कर रहा हूँ स्लेज हैमर स्लीवर फ्लेक। तो भाई ये जो मेरा चारा है ना, वो बहुत आकर्षित चारा है। कोई भी मछली इसे देख के, जैसे कि देखा अभी तुम लोगों ने, कैच कर लेता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा पहला मछली जो है मुझसे छूट जाए। तो मैं बहुत केयरफुली इसे अपने पास लाकर पकड़ना चाहूँगा। ये छोटी सी मछली है, ये होगी कम से कम आधा किलो एक किलो की मछली, और ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है यार। चलो ठीक है, सामने तुम्हें दिखता होगा मैप में कई सारी नीचे मछलियाँ जो हैं वो अवेलेबल है एको एको की तरफ से। तो यहाँ मैं, ओह, जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ अपने रॉड, भाई साहब एक बार में पकड़ लिया उसने। बस ये भी कह सकते हो छोटी मछली, इसलिए सतह पे आराम से आ जा रही है मेरे खींचने से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। यस, वो सेम टाइप की थी, ये थोड़ा स्पीसीज अलग है इसका। तो ये बहुत खूबसूरत मछली है, आधा किलो की मछली है ये। चलो ठीक है, मैं इसे ज़रूर खा जाऊंगा बाद में। फिलहाल और एक बार मैंने यहाँ पर चारा डाला, मैं अपने तलाश में हूँ उस जॉइंट मछली के जो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया इस चिकामोगा लेक की तरफ। ऑलराइट, अगेन यहाँ पे कोई और, ये बड़ी मछली है। यहाँ पे तुम्हें समझ आएगा क्योंकि तुम देख रहे हो मेरा जो थ्रेड है ना, ये बहुत स्ट्रेच हो रहा है, और मेरा जो थ्रेड का जो स्ट्रेचिबिलिटी है ना, वो सिर्फ 5 किलो की मछली तक ही सीमित है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मछली 5 किलो से बड़ी हो और मैं उसे पकड़ लूँ। यहाँ पे मैंने फाइनली पकड़ लिया भाई गार। ये है कह सकते हो चेन पिकल। अच्छा, ये गार फिश नहीं है, गार फिश भी इसी की तरह होती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ गार को पकड़ने का। ये गार भी बहुत बड़ी फिश होती है गाइस, कह सकते हो तुम्हारे दोनों हाथ को मिला के जितनी बड़ी होगी ना, उतना बड़ा फिश हो सकता है ये। फिलहाल यहाँ पे छोटे से मैंने गिल फिश पकड़ लिया। ये ब्लू गिल फिश ज्यादातर ना एक्वेरियम में काम आते हैं, मतलब बहुत शो पीस के लिए बहुत बेटर होता है, लोग इसलिए छोटे छोटे इसको पकड़ते हैं, तो अच्छा लगता है ये एक्वेरियम में। फिलहाल ये आधा किलो की फिश जो है बहुत ही क्यूट है, और मैं इसे अपने एक्वेरियम में जरूर रखूंगा। फिलहाल इसे अभी देखना बंद करता हूँ, वैसे तो ये है बहुत ही सच में क्यूट, क्योंकि इसका फिन्स जो है ना वो बहुत ही इंक्रेडिबल है। अच्छा, मैं जिस मछली को पकड़ना चाहता हूँ बस उस पर फोकस करता हूँ, और मैं कुछ दूर तक अपने चारा को फेंकूंगा ताकि बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं वो छोटी मछली की तरफ आकर्षित होती है ना, तो सतह से ऊपर आ जाती है। जैसे कि तुमने देखा इसने अप्रोच किया लेकिन पकड़ा नहीं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बड़े बड़े मछली नीचे अवेलेबल है, जैसे कि कैटफिश कह सकते हो इंसान को भी खा जाए, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो क्या वैसे कैटफिश यहाँ पे अवेलेबल है? एक फिश ने, ओह, जैसे मैंने कैटफिश का बात किया, जस्ट अभी कैटफिश ने ही पकड़ लिया यहाँ पे मेरा चारा को, और मैं बस नहीं चाहता कि मेरा हुक टूट जाए, क्योंकि हुक का जो स्ट्रेचिबिलिटी, मतलब स्ट्रेंथ, उतना कुछ खास नहीं है कैटफिश के सामने। डूड, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरा जो थ्रेड है ना उसे मैं ढीला छोड़ता हूँ। ढीला छोड़ने से वो कंफर्टेबल हो जाएगा और वो थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने तरफ थोड़ा थोड़ा करके अप्रोच करूंगा उसे और पकड़ लूंगा। फिश इज ऑन, यस। मैं यहाँ पे बिल्कुल जान नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी कोशिश करके उसे अपने पास ला रहा हूँ, और ये थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि ये देखो सतह पे आ चुकी है, क्योंकि ये कंफर्टेबल हो चुकी है। तो फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। भाई कितनी बड़ी फिश है ये, डूड, ये फिश इतनी बड़ी हो सकती है ना कि इंसान के सर को अपने मुंह में ले ले, इतनी बड़ी फिश हो सकती है ये। तो अभी फिलहाल ये छोटी है, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। फिलहाल मुझे इससे भी बड़ी मछली पकड़नी है, जिसे हम जाइंट कह रहे हैं, जाइंट बैश यहाँ का। तो ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे चारा डाला, लेट्स सी कौन से फिश यहाँ पे इसे पकड़ता है। यहाँ पे देखने से तो कई सारे फिशेस ऐसे हैं जो यार बहुत डरावने हैं, और कह सकते हो अमेजिंग भी है। यही चीज तो बात है यार यहाँ के लेक में। और राइट, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा फिश इसे पकड़ता है। उत्तरी, अभी जस्ट यहाँ से पिकल पार हुआ, मतलब मैं इसे पिकल करता हूँ, इसका नाम कुछ और है। मैं अपना नाम बना दूँ, ये जो तुम्हें दिखा होगा लंबा सा एकदम शॉर्ट की तरह फिश ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इसे पकड़ा हुआ जस्ट अभी, तुमने देखा ही होगा। ऑलराइट, यहाँ पे बड़े बड़े पेट वाले फिश तुम्हें जो दिखते होंगे, ये सब छोटी छोटी मछलियाँ खाते हैं,
छोटी छोटी मछली खा के अपना काम चलाते हैं, इसलिए ये थोड़े सतह पे आए थे, मतलब किनारे पे आए थे पानी के। वैसे मेरा ये चारा फेल हो चुका है, मतलब मैंने इस तरफ फेंका चारा दो चार बार, बहुत प्रयास के बाद भी यहाँ पे कोई मछली नहीं आया। लेट्स सी यहाँ पे कौन सा फिश आता है। मैं चाहता हूँ यही फिश पकड़ ले, काश ये फिश इस पे अप्रोच करे। मैं यहाँ पे ट्विच कर रहा हूँ ताकि वो फिश आके इस पे अट्रैक्ट हो जाए। डूड ये कैटफिश पकड़ लेगा क्या? वो क्या कैमरा व्यू मिला डूड, यहाँ पे साफ। मैं जो सोच रहा था कैटफिश ने पकड़ लिया, ये कोई अलग स्पीसीज का कैटफिश है। ये देखो, ये नहीं स्पीसीज तो सेम ही है, फ्लैट हेड कैटफिश ही है ये। और ये देखो पहले वाले से कहीं ज्यादा, 25 किलो का फिश है भाई साहब। मतलब कि यार मतलब बहुत बड़ी फिश थी यार। मैं तो सोच ही रहा था कि वो कितने किलो की होगी, एलबी में है ना, तो मैं इसे कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। वैसे मैं वहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी फिश नहीं पकड़ पा रहा था, तो मैंने सोचा तो लोकेशन चेंज करते हैं। इस तरफ आया, जैसे ही फिश डाला, मतलब चना डाला, फिश ने पकड़ लिया। और ये थोड़ी सी अच्छी फिश लग रही है और न्यू स्पीसीज का है, दैट्स वाई ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि तगड़ी फिश जो है ना वो ऑफकोर्स स्ट्रगल करेगी अपना जान के लिए। और मैं यहाँ पे इसे कंफर्टेबल कर रहा हूँ, मतलब फुल यहाँ पे अपना रील जो है छोड़ देता हूँ। या लो जाओ तुम घूमो जितना घूम सकती हो, उसके बाद थक जाओगी तो मैं पकड़ लूंगा। मैं ऐसे कोशिश करता हूँ जाल से पकड़ने की, तो क्या ये आ जाएगी? मुझे डर इस बात का ये स्लिप ना हो जाए मेरे हुक से। छोटी छोटी मछलियों का यही प्रॉब्लम है, वो हुक को थोड़ी से पकड़ती है। फाइनली मैंने इसे भाई जाल से पकड़ लिया। ये है स्मॉल माउथ बैस और ये मुश्किल से 1.5 किलो की होगी मछली है। है बहुत क्यूट फिश वैसे ये फिश, इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डूड अगेन मैं यहाँ पर चारा डाल रहा हूँ। अच्छा इस बार चारा को थोड़ा दूर तक फेंकूंगा ताकि बड़ी फिश इसको अट्रैक्ट हो जाए इसकी तरफ। वैसे मैंने इसे सतह तक जाने दिया, मतलब पूरे नीचे तक जाने दिया गहराई में, ताकि बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो नीचे ही रहती हैं ताकि वो शिकार कर सके। तो भाई ये इस शिकार का वो खुद शिकार हो जाएगी अगर मैंने मेरा जो यहाँ प्लान कामयाब हो गया। वैसे यहाँ पे अच्छी अच्छी फिश दिख रहे हैं यार, मतलब न्यू स्पीसीज के। लेट्स सी यहाँ पे वो आता है कि नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा भाई, कोई भी इसकी तरफ अप्रोच ही नहीं कर रहा। एक एटलीस्ट कोई फिश को नोटिस, ओ उसने नोटिस किया, एक ही बार में पकड़ लिया। बिल्कुल जैसे हम लोग बर्गर खाते हैं यार, एक ही बार में दबोच लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भाई ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अच्छे से पता है मुझे ये छोटी फिश है, तो आराम से मैं इसे पकड़ सकता हूँ। गाइज मैं नहीं चाहता मेरा जो ये हुक है और मेरा जो ये थ्रेड है वो टूट जाए किसी बड़ी मछली को पकड़ने के चक्कर में, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो की मछली को पकड़ने का है। तो मैं नहीं चाहता उससे बड़ी मछली पकड़ूं और मैं पानी में गिर जाऊं, ऐसा नहीं करने दे सकता मैं। ऑलराइट ये न्यू स्पीसीज, हाँ न्यू स्पीसी है ऑफ कोर्स, ये लार्ज माउथ बैस है। ये थोड़ी बड़ी बड़ी मछली अपने से 1/4 बड़ी मछली को ये खा सकती है, मतलब बड़ी कह रहा हूँ, छोटी मछली को कुछ भी। ऑलराइट मैंने 7 स्पीसीज अब तक मछलियों को पकड़ लिया हुआ, एक भी लेजेंडरी नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिस शिकारी के चक्कर में आया हूँ उसे पकड़ने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। वो शिकारी बहुत बड़ा है गाइस, वो हर एक मछली को इस तरीके से खाता है ना जैसे कि वो उसका मील हो रोज का, मतलब दबोच लेता है लिटरली। ठीक है, तो उसे मैं पकड़ने के लिए बहुत दूर तक फेंका हूँ अभी फिलहाल, और देखते हैं क्या यहाँ पे वो मछली आती है या फिर दिखती भी, एटलीस्ट मुझे दिख जाए यार। मतलब मेरा सपना पूरा हुआ कि यार मैं चीकू मौका लेक आकर उसे पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्विच कर रहा हूँ। ओह लार्ज, ये तो गार था, लार्ज नोज गार, और ये इसने पहले ही मुझे अप्रोच किया हुआ, मैंने पकड़ा हुआ भी है, शायद पकड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता। लेट्स सी ये पकड़ाता है कि नहीं। ये मछलियाँ ज़्यादा स्ट्रेंथबल नहीं होती है गाइस ये, लेकिन भागती बहुत स्पीड है। ठीक है, मुझे इसे पकड़ने के लिए ना थोड़ा सा थकाना पड़ेगा, इसलिए रॉड को मुझे उस तरफ ही करना पड़ेगा जिस तरफ ये मछली जाना चाहती है। तो मैंने ऐसे ही किया और ये थोड़ी थक सा गई है, और देखो ये सतह के ऊपर दिख रही है अब, तो आराम से मैं इसे पकड़ सकता हूँ। मछली अगर अंदर रहे तो मुश्किल होता है। तो ठीक है, फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया। ये कितना ऑसम दिख रहा, ये मछली ज़्यादा वजनदार नहीं होती लेकिन लंबी बहुत हो सकती है, जैसे कि इंसान जितना लंबा होता है ना उससे कहीं ज़्यादा लंबी हो सकती है फिश। वैसे ये छोटी थी, और भी बड़े में पकड़ सकता था, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, मैं जिस शिकारी के चक्कर में आया हूँ ना बस उस पर फोकस करना है मुझे। वैसे गाइस ओ तेरी, ये बहुत क्यूट सा फिश मुझे आगे एक ही बार अप्रोच कर गया। ठीक है लेट्स सी, वैसे ये छोटी फिश है ना तो आराम से मैं पकड़ सकता हूँ, और इसने ना हुक को पूरा खा लिया, दैट्स वाई ये इजीली दिख रहा होगा तुम्हें ऊपर की तरफ, और इसलिए मैं इसे आराम से पकड़ भी पाया। बहुत क्यूट मछली है ये, तो एक्वेरियम के रखने में लायक है यार, 12B कह सकते हो, 1 किलो की मछली है ये, और बहुत सही है। फिलहाल 9 स्पीसीज मैंने मछली के पकड़ लिए हुए हैं, और भाई एक भी लेजेंडरी नहीं आया। लेजेंडरी में यहाँ बता भी नहीं रहा कि कौन सा कैसा
फिश हो सकता है वो। चलो कोई बात नहीं है, मैं जिस शिकारी के तलाश में आया हूँ जो सबका शिकार करता है पानी के अंदर, उसे मुझे पकड़ना है। काश वो आ जाए। मैं अपने थोड़े जो चारा है ना उसको ट्विच करूंगा, मतलब ऐसा दिखाऊंगा कि ये फुल्ली जिंदा मछली है जो तैर रहा है ऊपर की तरफ, और कोई ना कोई बड़ा मछली ना इसे आके खाने की कोशिश करेगा। मैं बस उस शिकारी के चक्कर में हूँ। भाई ये वही लगता है डूड, ये वही था, बहुत बड़ा फिश है ये, बहुत बड़ा फिश, लिटरली ये तुम्हें दिखता होगा पानी के भीतर। अच्छा ऊपर आया, जस्ट मैंने अभी रील को अप किया इसलिए, लेकिन देखो रील अप कर रहा हूँ पूरा मेरा स्ट्रेच हो चुका है थ्रेड, और हो सकता है ये टूट ना जाए। 10 किलो से ऊपर की मछली होगी क्या ये? लेट्स सी, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी हुक स्लिप हो या फिर मेरा थ्रेड टूट जाए, बहुत बुरा लगेगा मुझे। बहुत मुश्किल से ये मछली, मतलब घंटों के बाद ये आई है मेरे पास, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे पहले कंफर्टेबल कर दूँ। फुल्ली रील मैंने दे दिया है ताकि ये जो है ना आराम से कंफर्टेबल हो जाए, इधर तो घूम के थक जाए, तब मैं इसे अपने बोट की तरफ ला कर हो सके तो जाल से पकड़ लूँ या फिर ऐसे। लेट्स सी होता क्या है। भाई दिल की धड़कन बड़े जा रही है मेरी, और यहाँ पे हाँ हाँ ये बहुत स्ट्रगल कर रहा मेरे भाई। फाइनली मुझे जाल की जरूरत नहीं पड़ी, मैं पकड़ चुका हूँ। भाई यही वो शिकारी है जो सबका शिकार करता है इस पूरे लेक में, और मैंने इसे पकड़ लिया। भाई साहब इसे तो मैं भून कर खाने वाला हूँ। फिलहाल भाई ये मछली 7 किलो की है डूड, 7 किलो की मछली भाई साहब, 7 kg से ऊपर ही था। सो भाई बहुत मजा आया, मैं तो अंदाज भी लगा पा रहा कितने का था। भाई इस फिश को बैस समझता था, वो वैल ही निकला डूड। हमारा जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो थोड़ा गलत निकला, क्योंकि मुझे लगता था वो बैस था, लेकिन नहीं है, वो वैल ही निकला वो फिश। तो भाई कैसे लगे तुम लोग ये वीडियो, जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, थैंक यू।